हम में से हर कोई आए दिन किसी न किसी समस्या से जूझता ही रहता है। वहीं ये बात भी सच है कि व्यक्ति अपने और अपने परिवार की अच्छी जिंदगी के लिए बहुत मेहनत करता है, लेकिन फिर भी इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो कि इतना कुछ करने के बाद भी खुश नहीं रहते हैं। आए दिन उन्हें कोई न कोई समस्या परेशान करती रहती है, जिसके बाद व्यक्ति ज्योतिष का सहारा लेता है। इतना ही नहीं, ऐसा करने के पीछे कुछ कारण भी है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 12 राशियां होती हैं, जिसके जरिए हम सभी अपने भविष्य की होने वाली समस्याओं की जानकारी को हासिल कर लेते हैं। ज्योतिष के अनुसार व्यक्ति के जन्म के समय ग्रह नक्षत्रों में गोचर का उसके जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। और इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि व्यक्ति की जन्म राशि से संबंधित ग्रह उसके जीवन की दशा दिशा निर्धारित करते हैं। ग्रहों के प्रभाव से ही उनसे संबंधित राशि के जातकों के स्वभाव, व्यवहार और गुणों का निर्धारण भी होता है। ऐसे में जन्म राशि के लोगों के गुण दोषों का पता लगाया जा सकता है। हम आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक हमारे जीवन में पुकारू नामों का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। ये तो आपको पता ही होगा कि अंक शास्त्र में जिस तरह हर अंक के साथ एक ग्रह जुड़ा हुआ है, उसी तरह चंद्र राशि के मुताबिक हर अक्षर से एक राशि जुड़ी हुई होती है। उसी तरह से उस राशि के जितने भी ग्रह जुड़ते हैं, वो व्यक्ति के स्वभाव और व्यवहार पर बहुत ही प्रभाव डालते हैं। आज भी हम आपको कुछ ऐसा ही बताने जा रहे हैं। आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आज यानी कि 29 सितंबर से 4 राशियों पर से राहु केतु के अशुभ प्रभाव हट गए हैं। इन 4 राशि के लोगों के जीवन में खुशियां आने वाली हैं और सुख समृद्धि भी आएगी। सभी प्रकार की परेशानियों का अंत भी हो जाएगा और अब आपको केवल तरक्की और कामयाबी मिलेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर भला वो कौन सी 4 राशियां हैं, तो चलिए आपको बताते हैं उन 4 राशियों के बारे में। आपको बता दें कि जिन राशियों की हम बात कर रहे हैं वो राशियां मेष, कन्या, सिंह और धनु राशि हैं। इन राशि के लोगों को 29 सितंबर से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। आपके यश वैभव में वृद्धि होगी और विलासितापूर्ण जीवन जीने का अवसर भी मिलेगा। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से विनीत राय की रिपोर्ट।